पर जस्ट लुक एट दिस यार, ये मतलब लग रहा है यार, ये एसी से लाख गुना अच्छा लग रहा है यार। सबसे तो बड़ा अच्छा बात है ये देखो सर, चलो भाई साहब आज यहाँ से नहीं चढ़ेंगे, न्यू कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, क्योंकि ऐसी यार में आज जर्नी होगा। तो भैया लेट्स गो, देखते हैं कैसा जर्नी हो रहा है। मेरे ख्याल से अच्छा होगा, 1805 में ट्रैवल कर रहा हूँ सर, मेरे ख्याल से एल एच बी हो गया होगा, क्योंकि ऐसी यार का काम है सर। वो बोलते हैं आज एल एच बी होगा, पर उसी दिन बोलते हैं कि नहीं भैया रेक का कोई प्रॉब्लम हो गया तो एल एच बी नहीं हो रहा है, डुक 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 करता है सर। तो जाके देखते हैं वहाँ पर सर। और बोलना भूल गया यार, वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल, इफ नॉट प्लीज ट्राई टू मेक इट आउट बिकॉज नथिंग इज पॉसिबल। अरे यार ये पीछे ही क्यों बच गया यार, मेन इंट्रो ही में गड़बड़ हो जाता है। तो ये है भाई न्यू कॉम्प्लेक्स, और वो थे पुराने वाले। फिलहाल अंदर चलते हैं न्यू कॉम्प्लेक्स में, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। 1805 सामने से रही है सर, पहले चार दिन था, अब डेली हो गया एल एच बी होने के बाद, तो प्रोबेबली मेरे ख्याल से एल एच बी हो गया होगा। फाइनली एल एच बी हुई है यार, पहले इसमें एक ए वन था, फिलहाल अभी देख रहा हूँ दो है, यानी फर्स्ट टू ए सी टू टायर दो है, और फर्स्ट ए सी पीछे है और आगे टू टायर थ्री टायर है। तो पहले इसमें उठते हैं, तो ये है इसका टू टायर। बाकी हर बर्थ पर चार्जिंग सॉकेट है, ऐसे ही उन्होंने लगा दिया है, नीचे चार्जिंग सॉकेट ऊपर है। काफ़ी अच्छा है यार, मतलब ख़राब नहीं है, एकदम ब्रांड न्यू। एल एच बी जर्नी जो होता है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, साफ सफाई एकदम टॉप लेवल का होता है सर। और आगे उस तरफ में फर्स्ट ए सी है, तो मैं आपको फर्स्ट एसी दिखाता हूँ। और ये है भाई साहब खूबसूरत फर्स्ट एसी सर, वॉशरूम देख रहे हो सर, ये है इसका फर्स्ट एसी। तो ये जो रूट में जाती है सर, जिसका नाम जगदलपुर है, काफ़ी खूबसूरत रूट है। मैंने इसमें आज फर्स्ट एसी नहीं लिया सर, बहुत हो गया फर्स्ट एसी इतना नहीं। एटलीस्ट मैं खुश हूँ इसने मिरर लगाया हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा अगरतला में मिरर नहीं था सर, मेरे को बहुत बुरा लगा था। फ्रेम्स नहीं है बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसी यार ने इतना किया, मैं बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट उन्होंने मिरर लगाया है, रूम फ्रेशनर है सर, और ऑफकोर्स कॉलिंग बेल ऊपर नीचे, चार्जिंग सॉकेट है सर, तो ही अच्छा। और ये जो है वॉल्यूम वाला सर, वॉल्यूम कम कर दोगे तो बोलते हैं ना सर, अनाउंसमेंट नहीं सुनना होगा आपको, मन नहीं कर रहा सुनने का, बंद कर दो सर उसको, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये इसका स्लीपर है सर, तो काफ़ी अच्छा है यार, मैं सबसे बता रहा हूँ, जस्ट लुक एट दिस यार, काफ़ी बढ़िया यार। एक चार्जिंग सॉकेट इस तरफ में, दो है साइड डोर में, एक है बाकी बोतल होल्डर, सब कुछ है सर। मतलब लाइट्स देख रहे हो सर, कितना अच्छा लाइट्स, एलईडी ऑफ कोर्स यार, इसलिए बहुत अच्छा। और ये देखो सर, वॉशरूम तो बहुत साफ होगा मैं जानता हूँ, एकदम साफ सुथरा है, बस लोग इसको मेंटेन करें मैं यही चाहता हूँ। देख लो सर टैप है सर, बस लिक्विड सोप नहीं है सर, तो वो मिलता नहीं है सर स्लीपर में, उसके लिए आपको थ्रीटा लेना पड़ेगा। इसका लोकोमोटिव सर 30549, अच्छा हुआ हॉन्किंग के लालच में नहीं था सर, वैसे ख़राब भी नहीं है पर अच्छा है। एटलीस्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं पछता नहीं रहा हूँ कि एकदम मतलब बढ़िया हॉन्किंग मिस कर गया, तो मैं खुश हूँ सर। संतरा गाछी का 30549 ज़्यादा पुराना नहीं है, नया ही है ऑलमोस्ट, पर अच्छा है। चलो मैं जाता हूँ पीछे साइड में, तो दिक्कत हो जाएगा सर फटाफट। ये इसका जनरल है, तो जनरल ऑफकोर्स इसमें दो है सर, छः स्लीपर है, दो फ्री टायर है, दो टू टायर है और एक फर्स्ट एसी सर। पीछे साइड अगर आप इसे 1805 अगर ये ले रहे हो जगदलपुर के लिए, जो अप के तरफ में है, उसका आगे जनरल स्लीपर है, फ्री टायर टू टायर फर्स्ट क्लास, और डीएल पीछे है सर इसका, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने का ज़रूरत है। मैं फटाफट जाता हूँ, मेरा अभी तक तो कोई कॉल नहीं आया, मैंने खाना ऑर्डर किया था। और ये जो चक चक करता है ना ब्रांड न्यू एल एच बी की वजह से यार, उसका अलग मज़ा, बस मेंटेनेंस का बात है। इसी तरीके से कोरोमंडल जल्दी एल एच बी होगा, जब वो होगा तब तो भाई साहब क्या ही बोले यार, क्या ही बोले। 8240 हाँ ये मेरा ही है बस। सीट नंबर कौन सा यार, मैं भूल गया, इधर ही दो भाई, किस्मत में था खाना मिलना, फाइनली मिल गया यार सीट। यार मैं यही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। अच्छा एटलीस्ट दो चार्जर है सर, नीचे एक फ्लोर बर्थ के लिए मिल गया, हर बर्थ पे चार्जर है, तो ख़राब नहीं है यार। बड़ा अंधेरा लग रहा है यार, इसलिए फिर भी एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ टू टायर काफ़ी ज़्यादा रोशनी वाला था, पर ठीक है ये भी ख़राब नहीं है, जो भी यार अच्छा ही है, ज़्यादा कंप्लेन करना ठीक नहीं है। फिलहाल इसको बाद में ओपन करते हैं, पहले गाड़ी डिपार्ट करें फिर देख। वैसे कुछ दिखा नहीं, मेरे को लगा कोई लोग आया होगा,
कवर करने के लिए। गाड़ी 5 मिनट में डिपार्ट करेगा तो मैं आपको एक बार ये दिखा दूँ। देखो ये कोचिंग कॉम्प्लेक्स का प्रॉब्लम, नहीं ब्लेम कर सकता हूँ जो ऑन बोर्ड स्टाफ है, वो नहीं करेंगे फ्यूचर में तो अलग मैटर है, मतलब ऑन बोर्ड ड्यूरिंग जर्नी अगर वो साफ नहीं किया तो उनका प्रॉब्लम है, फिर तब तो मैं कंप्लेन कर सकता हूँ उनको, मैं उनका दोष दे सकता हूँ। पर ये गाड़ी कोच चाह रही तो कोचिंग कॉम्प्लेक्स आ रही तो वहाँ पे काम था इसको साफ करने का, नहीं क्या उन्होंने छोड़ा था। 2018 का कोच है, लिक्विड सोप तो मिला सर वहाँ पे, टॉवल के लिए सर यहाँ टैप है सर, टैप तो नल वाला घर वाला है, एटलीस्ट ये भी अच्छा है, इसमें पानी थोड़ा बचता है सर, और शेविंग किट है सर, दैट्स इट। नीचे नहीं दिखाने वाला सर, नीचे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ दिखाना सर। वो देखो भाई साहब को, मतलब अंदर पंखा है फिर भी भाई साहब बाहर बैठेंगे, लेवल लोग हैं यार, एटलीस्ट पीछे कोई डर नहीं रहा, गार्ड साहब सिग्नल दिखा रहे हैं। चलो फिर सर सर्विस वो हैप्पी एंड सेफ जर्नी, और 10,000 होगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस हर बंदे का जिसने सपोर्ट किया है। ना ही मैं ज़्यादा वीडियो डालता हूँ, ना ही मैं ज़्यादा लंबा जर्नी करता हूँ, ना ही मैं डिफरेंट रूट एक्सप्लोर करता हूँ, फिर भी आप सपोर्ट करें, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, क्या ही बताया, अब तो है ही नहीं बहुत बोलने के लिए, इतना प्यार इतना भाई साहब मान गया। चलो निकल गई गाड़ी, अंदर जाते हैं। तो ये सत्यम कैटर से मैंने मंगाया, मतलब देख क्या क्या दिया उन्होंने एक्चुअली, तो ये कम सम है सर, ऑफ कोर्स आप जानते हो मेरा फेवरेट है सर ये कम सम, मेरे को स्पॉन्सरशिप दे दो कम सम वाले, मजाक कर रहा है जो भी है, एटलीस्ट कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है भाई, मैंने खुद से खरीदा, मेरा फेवरेट है सर ये। और ये पैकिंग देखो सर, ठीक है मेरे को बहुत अच्छा लगा, ये 200 का सर मैंने मंगाया, रसगुल्ला है सर, और यहाँ दही मिला सर, और टिश्यू पेपर और फोन ये सर कटलेरी के तौर पे सर। दाल तो काफ़ी पतला है, मैं दाल पे कंप्लेंट नहीं करूँगा, यहाँ पे नॉर्मल आप देख रहे हो सर आलू का सब्जी है, दैट्स इट। और ये पनीर है मेरे को बहुत अच्छा, और भाई साहब इसमें से बिरयानी का खुशबू आ रहा है, बिरयानी मसाला का, मे भी भाई साहब लोग से मिस्टेक हो गया, अगर राइस नहीं होगा तो उन्होंने सोचा यही दे दें, पैसेंजर खुश रहेंगे, चलो मैं खुश भी हूँ यार, सैलेड दिया उन्होंने, मूली नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ यार। यहाँ तो आपने दिखाया था आपको नॉर्मल रसगुल्ला दिया उन्होंने, और ये रसगुल्ला नॉर्मली गुड़ वाला सर बहुत फेमस होता है सर, मेरा तो फेमस क्या कलकत्ता का सर, और मेरा फेवरेट भी है सर। और यहाँ पे ऑफकोर्स आप देख रहे हो दही है सर, फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं सर, दाल भी अच्छा ही है सर, सब्जी भी अच्छा है, ये बताओ तो खाना किसी भी तरीके से ख़राब नहीं, अच्छा है, मेरे को सिर्फ बता रहा 200 रुपये थोड़ा महंगा है, पर क्या कह सकते यार, पेट पूजा करना भी ज़रूरी है, और हम लोग अच्छा खासा स्पीड में सर ओवर स्पीड करते हैं कि नहीं करते नहीं मालूम, और सबसे अच्छा लगा सर स्वीट कर्ड यार, मैंने नोटिस नहीं किया यार, ऑफकोर्स आप खाए होंगे सर, बिहार में तो सुधा का खाएंगे सर, बंगाल में तो आपको हर मिठाई दुकान पे मिल जाएगा सर, ये मीठा दही सर मेरा फेवरेट है सर। उस फोन कर रहे हैं 10,000 स्पेशल के, दिस इज सायन, सर आप व्लॉग में सर, व्लॉग में सर आप, हाँ सर मेरे को फोन किया, थैंक यू सो मच सर, नंबर लगा हुआ है ठीक है ठीक है, कोई भी इशू आप कॉल कर, तो सर हम लोग आ गए यहाँ पे, गाड़ी 3 मिनट डिले, टाइमिंग 10:56 का और 11 पे डिपार्चर, और ये गाड़ी ओवर स्पीड कर रही थी, ये भाई की थी 110 ओवर स्पीड कर रहा है, वहाँ लोकल भी घुस गया सर, उसको ओवरटेक क्यों आ गया, सही है। सो भैया हम लोग बागनान में हैं, तो ये लोकल भाई साहब फिर चल पा रहे हैं BZN कोटा स्थान का,
ग्यारह पंद्रह पे अराइवल है सर, 11:16 पे डिपार्चर है। अभी भी हम लोग 4 मिनट खड़े रहेंगे आप। कब से वेट कर रहा था कि आप पैरल हो, तब पैरल हो। मेचिदा आ गए हैं, इतना भीड़ जो दिख रहा है ये सब यशवंतपुर के लिए। हावड़ा यशवंतपुर यहाँ उसका स्टॉपेज है, तो सब लोग उसी के लिए वेट कर रहे हैं। देखो सर कितना क्राउड है यहाँ पे, और MCA कोड है सर यहाँ पे। हम लोग का टाइमिंग था 11:30 का, 2 मिनट का हॉल्ट है, 32 पे डिपार्चर है। शायद सिग्नल हो चुका है, चलो गाड़ी डिपार्ट कर गए। हावड़ा पुरी निकल गई, हमारे आते ही उनका टाइमिंग हो गया, निकल गए 12:35 पे टाइम था। हम लोग यहाँ देख सकते हो सर ऑलमोस्ट 15 मिनट पहले आए, मतलब 12:22 तक आ गए थे। काफ़ी अच्छा रन रहा यार, मतलब ख़राब नहीं है, साफ़ सफाई भी ठीक ठाक था, आराम करने वाला ट्रेन है। एक बार इसमें टिकट कटाओ सर, आराम से सोते हुए जाओ सर। रेल पैनिंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल, और क्या बढ़िया लाइट आ रहा है। वैसे इसका स्टेशन जो था कोड KGP है सर, लोग सो रहे हैं, सोने देते हैं, मैं चला सोने से मिलता हूँ। आज सीधा चक्रधरपुर पे टाटा नगर तो डेली कवर करता हूँ, और साफ़ सफाई देख लो सर, ठीक है। और ये मेरे को सबसे इंटरेस्टिंग था भाई साहब, ये देखो सर, पर जस्ट लुक एट दिस यार, ये मतलब लग रहा है यार, ये इसी से लाख गुना अच्छा लग रहा है यार। सबसे बड़ा अच्छा बात है ये देखो सर, ओके नाउ इट्स नॉट वर्किंग अगेन यार। और यहाँ पे LED लाइट है सर डिजाइंस के साथ सर, और यही है सर। हाँ खड़गपुर आते आते तक हम लोग सोचो सर कितना स्टॉपेज दिए, मतलब उलबेरिया दिए हैं, फिर बागनान दिए हैं, फिर मेचिदा दिए हैं, फिर पासपुरा दिए हैं।
फ्रॉम मनोहरपुर, एकदम गाड़ी टाइम पर आया। अब सब सर टाइम पे निकलने का टाइम भी हो गया, सिग्नल हो चुका है, गाड़ी खुल जाएगा कुछ ही मिनट में। फोर फोर्टी का डिपार्चर था, गाड़ी ऑन टाइम है सर, मैं बहुत खुश सर। एटलीस्ट मेरे को गीतांजलि डाउन में मिल जाएगा, ठंड सर भयानक है इसलिए बता रहा हूँ। बस गाड़ी निकल गया मनोहरपुर से, आगे भी राहुल किला जर्नी कम्प्लीट होता है यहाँ पे। भाई साहब ठंड एक नंबर है, इसलिए बता रहा हूँ, और ये जो लग रही है ना सर। चलो अच्छा बात है, अपग्रेड हो गया भाई साहब, उत्कृष्ट जाके अब एलिज भी हो गया। राहुल किला सर इस्पात नगर बोलते हैं सर, स्टील सिटी है सर उड़ीसा का सर, और काफ़ी फेमस शहर है। यहाँ पे एक सेल का प्लांट है, अगर मैं इसके डाउन वाली ट्रेन की बात करूँ जो 1806 है सर, वो 5:15 पे खुली है सर, वहाँ से 5:05 पे खुली है सर, और 5:15 पे हावड़ा अगले दिन सर। तो पूरा 24 घंटा 10 मिनट का जर्नी है सर, स्टॉपेज मेरे ख्याल से 25 होगा सर। पाँच पैंतीस पे इसका डिपार्चर, तो हम लोग बहुत पहले है, तो अपना वेट करेंगे। उधर से वो निकल ली है, काफ़ी चीज़ नोटिस किया, ये जो लोको था 30549 ये ओवर स्पीड ही करता है यार, मतलब पूरा इन रूट 117-118 मारा है भाई साहब। हिसाब से देखा जाए तो इसका MPS 110 होना चाहिए था, तो 130 होना चाहिए था, पर ये 17-18 मतलब समझ में आ रही है ओवर स्पीड कर रहा है सर, थोड़ा सा अजीब है। सो भैया बस अब जर्नी कम्प्लीट हुआ, व्लॉग एंड करते हैं। 5:35 हो गया, ट्रेन वहाँ से डिपार्ट कर रही होगी, सामने सॉरी सामान सब ले लिया था प्रॉब्ली, मेरे को ऐसा लग रहा है। काफ़ी अच्छा स्टेशन का लुक है यार ये देखो सर, मतलब वहाँ से लेकर वहाँ तक है पूरा सब दिखाया उड़ीसा का डांस, इसके बारे में पढ़ा नहीं है। हनुमान वाटिका है सर, वैष्णो देवी टेम्पल है सर, मेरे ख्याल से सामने पहाड़ पे दिख रहा था, तो जब तक गीतांजलि आएगा तब तक सुबह हो जाएगा, तब प्रॉब्ली आपको दिखा दूंगा अगर वही हुआ तो, अगर मैं जहाँ तक गेस कर रहा हूँ। सो विद दैट इज बॉस, इफ यू लव दिस व्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक बटन, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। एज ऑलवेज शुक्रान, अलविदा, मा सलमा, टेक केयर एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट माई लवली फ्रेंड, जस्ट डू इट। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए एडीज अमी को सबक है बाबा। सर बोलना कम करूँगा, और थैंक यू सो मच यार सपोर्ट करने के लिए, मान गया भाई साहब, अच्छा हो यार आप। सबसे पहले मैंने स्टेंसिलिंग के लिए उन्होंने मार्क किया था यार, मतलब किसी तरीके से भूल ना हो सर, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा यार।